मंगलवार को दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की तथा कथित परिवर्तन यात्रा को जनता ने शुरू होने के पहले ही नकार दिया। भीड़ नहीं जुटी, इसलिए अमित शाह परिवर्तन यात्रा में बस्तर नहीं आए। अमित शाह के कार्यक्रम में पहले भी भीड़ नहीं जुटी थी। कार्यक्रम में भीड़ नहीं आने के कारण नाराज अमित शाह ने ओम माथुर रमन सिंह अरुण साव को फटकार लगाने दिल्ली बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी किस बात की परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? परिवर्तन यात्रा मई 2013 में जो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल ने शुरू किया था, उसकी परिणति दिसंबर 2018 में हो चुकी। छत्तीसगढ़ के में आमोल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आ चुका है, तभी तो 15 साल तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ महतारी के वैभव को भूलने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने परिवर्तन रथ में मजबूर हो गई कि छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाए। ये परिवर्तन ही तो है। रमन दास में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी, वादा किया जाता था 2100 देंगे, 300 बोनस देंगे, लेकिन नहीं दिया। आज छत्तीसगढ़ का किसान 2640 रुपए अपनी उपज की कीमत प्राप्त कर रहा है। ये हालात में परिवर्तन हुए हैं, तभी तो ऐसी स्थिति बनी है। भाजपा किस बात का परिवर्तन चाहती है? छत्तीसगढ़ का किसान कर्जा मुक्त हो गया है, इसमें परिवर्तन चाहती है, या छत्तीसगढ़ का किसान देश में अपनी फसल की सबसे ज्यादा कीमत चाहता है, इस बात का परिवर्तन चाहती है? भारतीय जनता पार्टी को, छत्तीसगढ़ की जनता को इस बात का जवाब देना चाहिए। भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ में लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर थे। हमारा जल, हमारा जमीन, हमारी पानी, हमारा कोयला, उसके बाद भी हमारे लोग देश में सबसे महंगी बिजली छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खरीदते थे। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधा हुए हैं। 42 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है। 4000 करोड़ रुपए लोगों के जेब में सस्ती बिजली के कारण लोगों की बचत हुई है। यह परिवर्तन से ही संभव हुआ है। भाजपा के काल में मात्र 7 वनोपज खरीदे जाते थे। आज कांग्रेस के राज में वनोपज संग्राहकों के 65 से अधिक वनोपज खरीदे जा रहे हैं। देश का 75% वनोपज छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदती है। यही परिवर्तन देखा था स्वर्गीय नंद कुमार पटेल ने सपना, आज वह साकार हो रहा है। भाजपा के राज में निरपराध अपराधियों को जेल में ठूंसा जाता था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनको छोड़ने के लिए जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। 1300 से अधिक आदिवासियों को छोड़ा गया। ऐसी छोटी छोटी धाराओं में आदिवासियों को जेल के अंदर छूट के रखा गया था, जिसमें सजा मिल जाती तो उनकी सजा पूरी होने के बाद छूट जाते, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं दाखिल किया गया था। उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने का जो सपना स्वर्गीय नंद कुमार पटेल, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जैसे नेताओं ने देखा था, अंततः वह परिवर्तन अब साकार हो चुका है। परिवर्तन हुआ है कि आज गरीब आदमी भी छत्तीसगढ़ का अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, मुफ्त शिक्षा देने का सपना साकार कर रहा है। 700 से अधिक स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले हैं। यही परिवर्तन तो लोग चाहते थे। रमन राज में लोगों की जबरिया जमीन अधिग्रहित की जाती थी सरकार के द्वारा। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1700 से अधिक आदिवासियों की 4000 एकड़ से अधिक जमीनें वापस की गई। भाजपा के राज में 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार संस्कृति को भुला दिया गया था। भूपेश राज में हालात बदल गए। अब तीजा, पोरा, होली, आदिवासी दिवस, माता कर्मा जयंती मनाना शुरू हुआ है। आदिवासी पर्व सम्मान निधि से स्थानीय मान्यताओं को संवारा जा रहा है। भाजपा राज में माता कौशल्या को भुला दिया गया था। भगवान श्री राम के पावन मार्गों को भुला दिया गया था। कांग्रेस की सरकार उसको संवार रही है। लोग इसी परिवर्तन को जो चाहते थे। रमन राज में नक्सलवादी छत्तीसगढ़ की राजधानी तक पहुंच गए थे। रायपुर तक नक्सलवादियों की धमक हो गई थी। आज नक्सली गतिविधियों में 80% तक की कमी आई है। जो छत्तीसगढ़ 15 साल तक नक्सलगढ़ के नाम से विख्यात था, आज वह छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, अपनी सांस्कृतिक रूप से पहचान बना चुका है। यही परिवर्तन तो चाहते थे हमारे पुरखे। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास में इंटेलिजेंस इनपुट आता है। उन्हें पता लगा कि जो परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से निकलने वाली है, उसमें भीड़ नहीं एकत्रित हो रही है, इसलिए उन्होंने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए अपने आने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। दरअसल अमित शाह जी इसके पहले भी जब छत्तीसगढ़ आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने 2 कार्यक्रम किया था।
दोनों ही कार्यक्रमों से जनता ने अपनी दूरी बना के रखी। एक कार्यक्रम था जो इंडोर कार्यक्रम था पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में, जहां पे उनके द्वारा हमारी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लॉन्च करने थे। उस कार्यक्रम में भी बमुश्किल से 200-300 लोग इकट्ठे हुए थे। अमित शाह जी 10:30 बजे लॉन्च करने वाले थे उस कार्यक्रम को, बकायदा फुल पेज पर विज्ञापन छपवाए थे। अंततः 12:15 बजे तक भीड़ इकट्ठा होने का इंतजार करते रहे, लोग नहीं आए। अमित शाह जी मजबूरी में आधे से भी कम भरे हुए हाल में 200-300 लोगों के बीच में अपना तथाकथित आरोप पत्र को लॉन्च कर पाए। उसके बाद अमित शाह जी सराईपाली में गए थे सभा करने के लिए, वहाँ भी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से 2-4 हजार आदमी एकत्रित करके ला के इज्जत बचानी पड़ी।